भाई ने लेग्स मारी थी ना, उसकी दर्द आज हो रही है। रेस्ट डे मतलब छुट्टी है क्या? तो वर्कआउट नहीं किया ना आज। तुम एक जिंदगी में सिर्फ वर्कआउट ही कर रहे हो? वर्कआउट डे इज द रेस्ट, मतलब संडे इज द रेस्ट डे फ्रॉम वर्कआउट, बट वैसे रेस्ट डे नहीं है हमारा। वही है कि सुबह 5:30 बजे मेरी आंख खुलने का रूटीन है, झूठ क्योंकि मैं उठ गया था। झूठ है ये। अरे यार, रूटीन में क्या करेंगे, अपने लिए एक गिलास तो उठाया नहीं जाता तुमसे। 5:30 बजे उठाऊं बिना अलार्म के, अलार्म बजा ही नहीं। फिर क्या किया तुमने उसके अलार्म बाद? मेरा नेचुरल अलार्म है, मेरे को पॉटी आ जाती है 5:30 बजे। फिर क्या किया तुमने 5:30 के बाद? हाउ डिड यू यूटिलाइज योर आई टाइम? यूटिलाइज माई टाइम बाई पोस्टिंग सम कंटेंट ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट लेट्स सी। रिलेटेड टू आर लव स्टोरी एंड व्लॉग। व्हाट डिड यू डू टुवर्ड्स योर ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोली जाती, हिंदी में बात करें। घर पे क्या किया तुमने? घर पे कुछ नहीं, यह बंद रखे थे। घर पे करने के लिए हमारी लाड़ी जो है। और इंस्टाग्राम की फीड देख रहा था मैं, उसमें था कि अगर आपकी टांगों में ज्यादा दर्द हो तो आप ऐसे लेट जाएं। और आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दोस्त जिन्होंने हमारी रील को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। 2 दिन में हमारी रील 1,50,000 क्रॉस कर गई है। ओए होए होए होए, बद्दो बद्दी हो गया, मज़ा ही आ गया। और बस बहुत से, यार, ओए भाई साहब, चेस्ट देख रहे हो भाई की, आए हाँ ये 5 दिन में निकल गया। 5 दिन में चेस्ट बाहर आ गई। यस, किसी ने बोला था कि तीसरे हफ्ते में आपको दिखना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में चेंज। कौन सही बोला? सही बोला था भाई, बिल्कुल सही बोला था। कंटेंट हो रहा है रेडी, और हमारे भाइयों ने हमें एक गिफ्ट दिया है, जिस गिफ्ट से रिलेटेड हमने एक व्लॉग डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया वाला, आपने देख ही लिया होगा। बाकी जो लोग हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वी आर एक्साइटेड फॉर सेकेंड व्लॉग, हम लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं उसको शूट करने में। अभी कुछ शूट तो किया नहीं है और ऊपर से मगर, फिल्म मेकर है। और हाँ ये भी भसूड़ी हो गई, भसूड़ी नहीं हो गई वो, एक्चुअली ना किट्टी के पास एक मेकअप आ गया है। जिस दिन हमने शूट करने जाना है ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे, लोकेशन मैक्सिमम को तो पता है, बट हमारा प्लान था कि हम एक दिन पहले जाएंगे वहाँ पे, नाइट स्टे करेंगे और बहुत सी अच्छी अच्छी मेमोरीज को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, एक पेपर पे लिखेंगे। मगर मोए मोए, ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग किट्टी के पास आ गया है मेकअप। चलो ऐसा है, तेल का खर्चा निकल जाएगा हमारा। मैं दूंगी तुझे। किट्टी प्लीज, किट्टी प्लीज दे दियो पैसे। और मजा बहुत आएगा, बहुत मजा आएगा। अब हम ये सोच रहे कि हम बोलेंगे क्या क्या। मैं भूल स्क्रिप्ट, गई हूँ, सॉरी। अरे स्क्रिप्टेड ही तो नहीं होता मेरे से, यही तो पंगा है। जो भी आएगा मन में बोल देंगे हम कौन सा झूठ सुना रहे हैं, है ना भाई। अब पहुंच गए हैं हम लोग संजौली, और मेरी ना सैटरडे को जो लेग्स मारी हुई है ना, उनमें अब दर्द हो रहा है, चाल में उछाल है भाई की। आज किट्टी भी ब्लैक है और जेरी भी मैं ब्लैक ब्लैक है, एंड पिंक। दोनों ब्लैक ब्लैक पहन के आएगा आज। जाओ आगे देखो, फिर कुटिल स्कूल करके थोड़ा वेट ऐसे नहीं हो रहा तो नहीं आएगा, है ना, तो नहीं आएगा। हो रहा है फील ऐसे है। आदमी ना एक गाने पीछे पागल हो गया सुबह से। हाँ भाई पागल हो गया, अब तो मेकिंग भी देख ली मैंने इसकी, मेकिंग भी देख ली। कौन सा? करण औजला का तौबा तौबा, है ना भैया। हाँ देखो अपना सलोन है, रोज हेयर कट कराते भैया। इतने जाते फिर बैठ सही जाते। बात है, ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जुल्लर है जी, देखो देखो जुल्लर। और यहाँ हमारे बीच पहुंच चुके हैं सेंसेशनल मिस्टर हनी बन्नी, जो कि वॉलीबॉल का मैच देख रहा है। ये तो उसमें भी है यार, अपने ग्रुप में भी है। नहीं कौन सा? नहीं है राइडर ग्रुप में? नहीं। चलो कल से आ जाएगा। कोई नहीं, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ओ बस कल से बाइक आ जाएगा।
भाई मैं आपको पहले बता देता हूँ, बंदा ला रहा बाइक। हाँ भाई मैं तो हमें तो इन्होंने बुलाया नहीं डिलीवरी, किसी को नहीं बोला लेकिन आप सबको स्पॉइलर दे दो। हमें तो इन्होंने बुलाया नहीं डिलीवरी पे, मगर एक्चुअली 100 किलोमीटर दूर में तो खुद जाना पड़ रहा है ना। नहीं नहीं भाई जाओ यार, बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे बहुत जल्दी आप लोगों को ज्वाइन करेंगे या हमारे हनी भैया बहुत जल्दी राइडर बनने वाले हैं तो हमें भी खुशी है, इसी खुशी में मैंने हेयर कट भी कराया। अरे वाह। हाँ बाकी बंदे ने लिपा पोती करा लिया, कलर कूलर, कलर कूलर क्या गस्से तो नहीं खाने भाई जी, कल से थोड़ा ना आऊंगा, रोज थोड़ा ना आऊंगा, हमारे गुरी अगले महीने आऊंगा, ये ठीक है। पर भैया का आइडिया बड़ा ठीक था, आपने एक्सेल बोला था ना, ये लार्ज ना, साइज का पंगा है भाई, साइज का पंगा है, नहीं तो आप ले जाओ भाई, आप ही का है सामान, ले जाना है ले जाओ, मैं फिर पकड़ेंगे पुलिस वाले। ये वाला हेलमेट आ रहा है, ले जाओ पहन के देखो, पहन के देखो आ रहा है, ये ले जाओ भाई, बड़ा ही आएगा, एक्सेल ही आएगा, मान लो मेरी बात, एक्सेल ही आएगा, ज्यादा देर तक राइड नहीं कर पाओगे, खज्जल हो जाओगे, खोपड़ा दर्द होने लग जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए, आपको एक्सेल साइज ही आएगा हेलमेट का। अब आपने हेलमेट लेना होगा तो एक्सेल ही लेना, फिर साइज इससे एक चीज पता लगेगी, साइज हेलमेट साइज तो कौन सा सोचा है, एक्सोर का नहीं, एक्सोर का भाई वो अगर देखो मेरे को नहीं पता आपका टेस्ट क्या है, टेस्ट बिरयानी खा रहे हैं, मैंने अभी तक बिरयानी नहीं, वो बिरयानी आज की उसकी वेनम सीरीज चली हुई, वो शाम बने हैं कल बने हैं, ऐसा कुछ मत लेना, सिंपल सा लेना, नहीं नहीं सिंपल, हंटर है ना जैसे, तो आप कैफे रेसर टाइप में हेलमेट भी ले सकते हो, पर आप कह रहे हो कि आप लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैंने अभी मतलब इतना एक्सप्लोर नहीं करा हेलमेट्स वगैरह का, नहीं एक्सोर की बहुत अच्छी रेंज है, ऐसे देखो एक हेलमेट तो आपको फ्री मिलेगा बाइक के साथ, कुछ टाइम उससे चलाना, इन द मीन टाइम हम वो आपके पिलियन के काम आएगा, हाँ पीछे जो बैठेगा वो हल्का है यार बहुत, हेलमेट वो तो नाम का है, वो चलाने से कुछ नहीं होगा, अच्छा तेरा है मेरे नाम का है, मेरे को किलो और से सांगला से आते को है, इसके कौन से सांगला से आते को हेलमेट बना के ले आए, वो कौन से लगता है, ये मुकुल का जो ये वाला हेलमेट है कितना हेवी है यार, मैं पहन सकती हूं उसको, हाउ इज यस्टरडेस हेलमेट, बहुत अच्छा है, मेरा स्मार्ट है, मैं भी ले सकती हूं, हाँ तुम पहन सकते हो, ब्लॉगिंग के चक्कर से ये तो लेना ही पड़ता है, वरना ये बहुत मतलब ठीक लगते हैं मेरे को वैसे ना, ऊपर नहीं वाले भाई, ये ना डेली कम्यूट के लिए ठीक है, लोकल घूमना है, फुल की एक्टिव होती थी मम्मा की, ये भाई स्कूटी के लिए होता है हेलमेट, मम्मा की एक्टिव होती थी बुलेट के साथ में, इस तरह के हां नहीं तभी वो जो वो लोग देखते हैं वो इतना अच्छा है यार, ब्लैक उसका ये भाई ब्लैक करवाया, वो इतना अच्छा है, वो स्मार्ट हेलमेट है, वो हां वेरी नाइस, लगता तो खतरनाक है वो, नहीं नहीं वो तो हल्का है, ओ यार ब्लॉग ना करने दियो तू मेरे को, बीच में अपनी टिप्पणियां पास करती है, सारे चले गए क्या, साहिल रह गया कल्ला, साहिल बहुत अच्छा हेयरकट हुआ है यार, थैंक यू, करण औजला ही लग रहा हूँ मैं, देखिए कहीं तौबा तौबा निकले मेरे मुंह से अभी, गाने की खुशी में कराया आपने ये हेयर कट, पता लगा मेरे को है ना, हाँ बिल्कुल मैंने झूठ बोला कि इस खुशी में जब नहीं नहीं यार, कमाल हेयर कट करा रहा, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई बाइक ले रहे, इन्होंने तो अब जाके बोला कि मैं बाइक ले रहा हूँ, ये तो मैंने देखो इसके लेने से पहले ही आपको डिक्लेयर कर दिया, अब क्या बोलना, कल तो आ भी जाएगा, बिल्कुल मैंने स्पॉइलर दे दिया यार गाइस, मैंने पूरा मतलब सोच के रखा था कि आपको सरप्राइज देंगे, बिल्कुल यार तो हम छोटे चैनल वाले बंदे, हमारी रीच थोड़ी जाती है इतनी, रीच की आज आज आप रीच की बातें मत करो आज रीच की बातें मत करो आज कौन सी रीच की बातें हो रही, कौन सी छोटा चैनल की कौन सी बातें हो रही, हेलो भाई इंस्टाग्राम पे 1,77,000 व्यूज गए है, 1,77,000 व्यूज गए इनकी रील पे, जाके चेकआउट करो, फिर बोल रहे छोटे चैनल की बात हो रही है, समझ में नहीं आ रही कैसे, पिछले 3 दिन में 300 सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, मेरे को तो जेलसी हो गई है, तभी सलोन में इतना धुआं धुआं हो,
चलो सुबह ही लेता हूँ फिर, है ना। हाँ सुबह दे देंगे। ठीक है सर, व्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। भाई के साथ मुलाकात करके बहुत मजा आया। ये कभी कभी आते हैं हमारे व्लॉग में ना, तो भाई मोटे अब क्या पता अब कुछ टाइम के बाद हम लोग साथ में दिखे कहीं वादियों में, समझ रहे हो। हम तो रोज ही आते हैं, हमारी इज्जत नहीं है यार भाई यार, इसलिए हम मुंह चुबा लेते हैं। हेलमेट क्यों पहन लिया आपने? देख रहा हाइट चल गया ना, पता हाइट लंबी है भाई। कैसी कैसी गंदी गंदी आवाजें निकाल रही। जाओ यार आप घसे ना, खा लेना मेरे से जाते। अभी हम जरा टेस्टिंग पे जा रहे हैं, भाई ने अपनी लाइट्स अपग्रेड करी हैं, वो देखनी है मैंने। लाइट तो नहीं लगानी, लो लाइट के लिए तो लिया भाई। ओके अच्छा, ये तो कुछ ज्यादा ही है भाई। एक ऊपर चक्कर मार गया हूँ मतलब, बहुत ज्यादा एक ऊपर चक्कर मार गया हूँ, तब लगेगा पता चल। जाओ जाओ अभी देखो मजा आएगा, नीचे नीचे चल जाओ अभी तो। स्लैपी है ना, बहुत जबरदस्त होगा भाई, मजा आ गया। रहे स्वाद, चलो ठीक है सर। ओके बाय बाय, टेक केयर, ओके भैया, मिलते हैं आपको। ठीक है, चांदन कर रहा ये देख छी, ये फ्रॉड है भाई, ये देख मस्त मस्त था भाई, ये तो फ्रॉड है। इसको लगा ना, साहिल को लगा, गुड, मुबारक हो। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, हम हो गए हैं। मैंने अपनी टॉप भी धोने। ओह माय गॉड, इतने दिनों के बाद आज हम कैमरा पकड़ रहे हैं। जीन्स वगैरह नहीं है कुछ? जीन्स ने तो सारी उसमें पड़ी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सुबह सुबह इतनी अफरा तफरी क्यों मचा रखी है हमारे घर में। अफरा तफरी इसलिए मची हुई है क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं घूमने। घूमने? अरे मतलब तुम्हारे लिए तो ट्रिप ही है वो, मतलब ऑफिशियल प्लस लेजर। ऑफिशियल तो लेजर। और साथ के साथ किटी मैडम का दिमाग चला कि मुकुल शिमला में तो बहुत ही ज्यादा धुंध हो रखी है, ठंडा मौसम हो रखा है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, हम जा रहे रामपुर। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हमसे मिलना चाहते हैं रामपुर जरूर आए। नहीं नहीं मत आए, अभी हमारे कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को दिल से सब्सक्राइबर मिलेगा तेरे को अगर मिलेगा तो। कौन? मतियाना में। हाँ। मैं आप सब लोगों से दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारी रील्स को, हमारे लव स्टोरी वाले व्लॉग को आपने इतना प्यार दिया कि मतलब कमेंट्स पढ़ के ना हम लोगों को तो और मोटिवेशन मिल गई। इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और इतने खतरनाक खतरनाक कमेंट भी किए ना लोगों ने, जो परेशान हो गए हमारी रील देख देख के। एक भाई साहब जी ने तो कमेंट कर दिया कि बंद कर दो इस चीज़ को, परेशान हो गया हूँ मैं, जैसे इंस्टाग्राम खोलता हूँ मेरे को किट्टी एंड जेरी दिखते हैं। मत देखो भाई, देख लिया तो भाई कमेंट क्यों कर रहे हो फिर, अच्छा कमेंट करो ना अगर कर रहे हो तो। हाँ बीच में बोल ले तू, शोर एक्ट पे देख लो कहाँ थे तुम। बाकी डेली व्लॉग्स हमारे इसलिए थोड़ा सा सिस्टम में डिले हो गया। सिस्टम क्या बोल रहा हूँ, कि आदत छूट गई है तेरी व्लॉगिंग करने की। डेली व्लॉग्स हम लोग इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि ना किसी महान व्यक्ति ने हमें ये बोला कि तुम अभी लव स्टोरी व्लॉग डाल रहे हो ना तो लेट इट ग्रो। किसने बोला? बोला सच में कि तुम अभी डेली व्लॉग्स मत डालो, बस इसको जाने दो अभी पहले। अच्छा जी चलो, हमने वो भी ट्राई करके देख लिया मगर रहा कहाँ जा रहा, कहाँ रहा जा। ओह माय गॉड, एक दो मिनट पहले ये बाल्टी पूरी भरी हुई थी, ये मशीन तो अभी भी भरी हुई है, मगर किटी मैडम ने
अपना सारा पोटली तैयार कर लिया है क्योंकि मम्मी ने खरीदी है नई मशीन। यार चुप कर यार, क्या बकवास है। अपने बर्बर के लेके जा रही है, वहां धोएगी। रोडों में बहुत गर्मी है ना, कितनी गर्मी है रोडों में? कितनी गर्मी का पहले बता, गर्मी गर्मी है कितनी रोडों में? ये भगवान, वही सेम तत्ता पानी जैसी, पता नहीं यार, फिर से सब कुछ तत्ता तत्ता हो जाएगा। चलो मैं जरा रेडी कर लूँ। अच्छा तो हम लोगों ने आपको ये तो बताया ही नहीं कि हम जा कर रहे हैं। एक्चुअली किट्टी मैडम को ब्राइडल मेकअप आ गया है एक रामपुर में। हम सोच रहे हैं कि आज शाम को हमने ब्राइडल मेकअप करना है, आपको वो भी दिखाएंगे, हम थोड़ा बहुत ग्लिम्स देंगे। बट सीन ऐसा है कि पहले हमने जाना है रामपुर, फिर उसके बाद हमने जाना रोडू। रोडू क्यों जाना है? रोडू हमने जाना है एपिसोड 3 का शूट करने। बट क्या बट, नारकंडा वापस आने से अच्छा है। हमने पापा से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि रामपुर से एक रास्ता निकलता है जो रोडू कनेक्ट होता है। पता तेरे को, अच्छा रास्ता हो तो वहां से हमने पहुंचना है रोडू। बस वो सिंगल रोड है लेकिन तू फ्री कब होगे? हम तो रात को फ्री, नहीं नहीं हम तो मंडे को सुबह सुबह जाएंगे। 7 बजे शुरू है। है कहाँ तू? पापा ने बोला रात को मत आना। पापा ने बोला? पापा की परी। मैं हूँ पापा की परी। क्या तेरा मेकअप वाटरप्रूफ होता है? बता। थप्पड़ प्रूफ भी होता है। करो। और प्रोडक्ट कौन से यूज करते हो आप? बताओ। हुड्डा ब्यूटी? मलाई। हुड्डा ब्यूटी? लो जी, हम लोग तो हो गए हैं तैयार, पर जाने से पहले अपने को जाना सलून। सलून में है थोड़ा सा काम, किट्टी मैडम ने अपना हेड वॉश करवाना। ओ जाना नहीं, राइड रोड पे नहीं जाना। क्या है तुम ढीले पड़े हो सारे के सारे, ना तुम बाल कटवा रहे, ना दाढ़ी कटवा रहे, ना राइड कटवा रहे। बाल कटाने में हेड बढ़ रहा है, ना राइड कटवा रहे। बंदे हेल्दी लाइफस्टाइल क्या फॉलो कर रहे हैं? बंदे नजर ही नहीं मिलाते इंस्टाग्राम के, उसमें घुसे रहे हैं बस। ये बंदे सुबह जॉगिंग में जाते, बाकी दिन भर मोबाइल में बैठे। हां पता है क्या क्या फायदा, समझ नहीं आ रहा कि घट रहे कि बढ़ रहे। क्या फायदा फिर ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल का? इतनी लंबी वाली ले रहे हैं। जल्दी जल्दी में ऐसे कांड होते हैं। हम लोग पहुंच गए ढली, मैंने सामान निकाल के रखा हुआ था कि भाई मैं ऊपर से गाड़ी लेकर आऊँगा और मेरे को सामान पकड़ा देना, और दिमाग से निकल गया। अब मैं पहुंच गया हूँ ढली बाईपास। ये रास्ता गया कुफरी का, ये रहा। अब मुस्तफ़ा भाई साहब जी को बोला है कि वो ज़रा बाइक पे ले आए, क्योंकि ना संजौली मार्केट में ट्रैफिक बड़ा तगड़ा लगता है। अब वो आएगा तो हम लोग जाएंगे। फंस गए भाई, लेट हो गए। 3 बज चुके हैं, 3 घंटे का ट्रैवल है रामपुर के लिए। अगर रास्ते में बस दुआ यही है कि कहीं ट्रैफिक ट्रूफिक ना मिले, अगर ट्रैफिक मिल गया ना फिर हालत ख़राब हो जाएगी। आ गए। बचा लिया, गाड़ियाँ पड़ रही थी बहुत। जा तो रामपुर रहे थे, मगर ना एक फेसबुक पे मैंने रील देखी थी। उस रील तो नहीं, प्रॉपर फुल फ्लेज वीडियो थी। कैसा है? फुल फ्लेज वीडियो देखी थी, एक चंडीगढ़ से या पंजाब साइड से भाई साहब थे जिन्होंने टैग किया था। क्या खाना है, भाई साहब खाना खा के आ गया मजा है ना? खाना जेंगो खाना था भाई, स्वाद आ गया जरूर। मस्ट विजिट प्लेस, क्या बोलते हैं उसको, वेरीफाइड बाय किट्टी एंड जैरी। या सेविया खानी तो आ ही जाना। ओए होए होए होए, मैं तो सांस ही नहीं आ रहा। देखो शूट कर रहा है एक बंदा, 25 लाख शूट करते हैं उनका तो सब कुछ बिक जाता है भाई साहब।
से हमने थाली खानी थी, जहाँ पे भी खाएंगे ना वहाँ पे एक ही थाली मंगाएंगे हम। दो थाली मंगा के तो ना हमने इतनी ओवर ईटिंग कर लिया है कि इस टाइम ना मन कर रहा है। अगर हमने ना, सच्ची कह रहा हूँ, अगर हमने अभी टाइम से ना पहुँचना होता तो मैंने तो अभी गाड़ी रोकनी थी साइड में, सिट्टे करनी थी पीछे और आधा घंटा एक घंटा सो जाना था। ऐसी नींद आ रही है ना इस टाइम मुझे, पर ये मौसम है ना, इस मौसम ने लेनी देनी करना। क्या मौसम हो रखा है भाई, बदो बदी हो गया, बदो बदी। किट्टी की भी आंखें भर आई हैं, आंखें सोने की तैयारी है, सोने की तैयारी है इसकी। बस जहाँ ये सोएगी वहाँ मेरे को चाय पीनी पड़ेगी। भाई मेरे को नहीं पता, यहीं सोती रह जाएगी, नहीं तो चला बगीचे तो देख ले इधर ऊपर उठ के। सो प्रिटी है, इसमें भी प्लांट सूख सकते हैं। कटोरी हायर, ये इसकी पिक्चर लेना, तुझे कभी दिखाती हूं व्लॉग में देख लेगी। सारी जगह सेम ही है, कैसे ये पर मैं पहली बार कुत्ते के साथ इतने क्लोज बैठी हूँ मुकुल के अलावा। हो गया। इस बार तुमने ढंग से एक्सप्लोर किया ना, पिछली बार हम थके हुए थे। मतलब ऐसा लगता है मुझे यहाँ के अंदर के सारे वो जाग जाते हैं। मैग्नेट तो दिखा, मैग्नेट तो दिखा क्या खाडू। एंड ये हमारे मंदिर जो गांव में होते हैं हमारे दो, ये तो मम्मा के लिए, ये तो हमारे लिए। रोजी को पसंद नहीं है इसलिए रोजी के लिए नहीं ट्राई करती रास्ते के। अब नहीं रुकना, मैंने कहीं पे भी क्या, अब बोल क्या बोल रही कि मेरे को दिन में जाना है देखते हुए रास्ता, हमेशा हर जगह मुझे रात को ही ले जाता है, कुछ भी नहीं देख पाती मैं। मैं इसको बोल रहा हूँ हम ना 7-7:30 बजे मेकअप शुरू करेंगे और 9:30-10 बजे तक हम लोग हो जाएंगे फ्री। उसके बाद हम लोग रोडू निकल जाएंगे रामपुर से। मैं बताती हूँ 11 बजे तक फ्री होंगे क्योंकि मेरे को पता है ब्राइट 7 बजे नहीं पहुँच पाएगी, 7:30 तक शुरू होगा, 10:30-11 o'clock हम फ्री होंगे पारा सारे पैकिंग करके, फिर हम नहीं निकल पाएंगे, वो रास्ता हमारे लिए नया है और हम देखते हुए चलते हैं ना कल कैसा है वो रास्ता यार। रामपुर से रोडू गए हो तुम कभी? फर्स्ट टाइम जाऊंगा मैं उस रास्ते पे। चलो सुबह जल्दी चलेंगे हम लोग, आप ऐसा करते हैं ना फिर नाइट स्टे हम रामपुर में ही कर लेंगे। माय गॉड, हाय गाइस, वेलकम बैक। टाइम कितना हो गया? 8:30। ऐसा है कि 7 बजे हम लोगों ने लड़की को तैयार करने जाना था, मगर 7 तो क्या ही बजे जाना था, 8:30 तो हमें यहीं हो गए और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें ये होम स्टे मिल गया। बहुत ही अच्छा भाई, एसी भी लगा हुआ है और हमें बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत है यहाँ।
और हमने अभी खाना ऑर्डर कर दिया है। जो लड़की है, एक मिनट, मैं तो देखो फ्री स्टाइल चल रहा था, सैंडो पहन के भी ब्लॉग कर लेता हूँ, मगर किट्टी ने बोला है कि देख मुकुल हमारी ना रीच बहुत ज्यादा जा रही है, बकवास करना है मम्मी कसम, हमारी रीच बहुत ज्यादा जा रही है, तो तू ना थोड़ा ढंग के ब्लॉग बना लिया कर। ऐसा कुछ नहीं है, सही में ऐसा ही बोला इसने। अब ऐसा कि हम लोग वेट कर रहे हैं जो हमारी ब्राइड है उनके फोन कॉल का, और मुझे डर ये लग रहा है कि उनके फोन कॉल आने से पहले डिले हो गए हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं हम सो ही ना जाएं। आंखें भी बारी बारी हो रही हैं। ऐसा करते हैं ना जी, फिर कल मिलते हैं आपको, है ना, कर दे ब्लॉग, फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हमने बहुत दिनों से ब्रेक ले रखी थी, क्योंकि एल्गोरिथम पकड़ रखी थी हमने ना, देख रहे थे हम एल्गोरिथम कैसे घूम रही है। कल मिलते हैं आपको, हम खाना खूना खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू हम कल कर देंगे फिर ब्लॉग को। ठीक है जी, टेक केयर, मिलते हैं आपको, बस दुआ ये करना कि नींद ना आ जाए।